तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। भाई सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो शेयर चैट से रिलेटेड है, और शेयर चैट पर जो लोग गलत टैग में पोस्ट करते हैं, क्या होता है गलत टैग में पोस्ट करने से, आज की इस वीडियो में हम यही सब सीखने वाले हैं, यही सब जानने वाले हैं। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो ना, तो अभी से लाइक कर दो। और साथ में लगे पहले सब्सक्राइब करो, और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटे को भी दबा दो यार, इतना मत कहलवाया करो। चलो ठीक है, दबाओ फिर, या मत दबाओ यार, तुम्हारी ऊपर है, क्योंकि मैं शेयर चैट की वीडियोस लाता हूं और आप तक नहीं पहुंचेगी तो मेरी कोई गलती नहीं है। चलो ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई यहां पर आप सबसे पहले समझ लो कि शेयर चैट जो आपको बोलता है क्या आप उसको फॉलो कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, शेयर चैट का टर्म्स एंड कंडीशन जो कि मैं बार बार वीडियोज में अपने बोलता हूं, लेकिन आज फिर से एक बार बोल देता हूं, शेयर चैट पर जो कंडीशन लिखी है आपने वही भाई करनी है, आपने वही यूज करनी है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप किसी गलत टैग में पोस्ट करते हो अपनी वीडियोस, फोटोज, इमेज या कुछ भी आप गलत टैग में पोस्ट करते हो, तो वो कुछ देर तक तो चलता है, कुछ व्यूज भी उस पर आ जाते हैं, कुछ लाइक्स भी उस पर आ जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आपका शेयर चैट की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलेट होता है, और उसमें लिखा होता है कि आपकी जो वीडियो है वो रिमूव कर दी गई है, बिकॉज ऑफ आपने जो टैग यूज करा है इस वीडियो के अंदर वो उस टैग की वीडियो नहीं है। यानी कि आपका जो वीडियो है वो इस टैग से रिलेट नहीं कर रहा है, इस वजह से आपकी वीडियो रिमूव कर दी गई है। तो यहाँ पर आप एक बात समझ लो, रिमूव भी करी जाती है, और बार बार अगर आप उसी चीज़ को दोहराओगे, बार बार अगर आप उसी चीज़ को करोगे, तो हो सकता है आपकी वीडियोस को छोड़कर वो आपके चैनल पर भी कोई स्ट्राइक या फिर कोई एक्शन ले लें। तो भाई यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो, अगर आप कोई कॉमेडी वीडियो बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कॉमेडी वीडियो बना रहे हो, तो टैग आपके उसके अंदर कॉमेडी के ही होने चाहिए। गुड मॉर्निंग का या फिर गुड नाइट का टैग उसमें नहीं होना चाहिए, या कुछ इस तरह के टैग ना होने चाहिए जो आपके कंटेंट से अलग हटकर है। ठीक है, ये तो हो गई चलो कॉमेडी की बात। अगर आप गाना गाते हैं, अगर आप सिंगिंग के शौकीन हैं, तो भाई सिंगिंग के लिए आपको वो टैग यूज करने चाहिए, जैसे माय वॉइस सिंगिंग, लर्न सिंगिंग, सारे गा मापा, हाउ टू लर्न सिंगिंग, इस तरह के टैग यूज कर लो, ना कि राजनीति में आज क्या चल रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू फॉर दिस, इस तरह के टैग मत दो भाई। जो आपका कंटेंट है उस कंटेंट को उसी टैग में डालो। ठीक है, अब ये सिंगिंग का भी हो गया, कॉमेडी का भी हो। अब बात आते हैं जो लोग न्यूज़ वगैरह इसमें ज़्यादा ध्यान रखते हैं, न्यूज़ में, एजुकेशन में, तो भाई इन लोगों के लिए जो टैग्स हैं वो टैग्स क्या हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो जब एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उसमें सर्च कर लिया करो, सर्च करने के बाद भी आपके टैग्स से रिलेटेड टैग आ जाते हैं। तो भाई एजुकेशन भी हो गया, और आपका कॉमेडी भी हो गया, सिंगिंग भी हो गया। यहाँ बात करते हैं जब आप कोई गलत टैग डालते हो, फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग के टैग सबसे ज्यादा ट्रेंड और एवरीडे ट्रेंडिंग पर रहते हैं। क्यों रहते हैं, उसमें आपको क्या करना है, जो लोग अपने पास से पोस्ट क्रिएट करते हैं, यानी कि कोई पोस्ट बना रहे हैं और उस पर कुछ लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो शायरीज हो सकती है, वो कोई कॉमेडीज के जोक्स भी हो सकते हैं गुड मॉर्निंग के ऊपर, या फिर वो कुछ भी गुड मॉर्निंग से रिलेटेड हो सकते हैं, तो वो गुड मॉर्निंग के टैग में जा सकता है और उसमें उसको रैंक मिल सकती है, यानी कि अच्छे व्यूज मिलेंगे, रैंक मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, स्कोर मिलेगा, पॉइंट मिलेंगे, और आपको उससे अर्निंग जनरेट अच्छी होगी। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ रही हो, तो इस बात को ध्यान में रखो कि शेयर चैट पर जो टैग आप यूज कर रहे हो, उससे पहले अपने आप को माइंड सेट कर लो कि वो टैग क्या मेरी कॉमेडी या फिर मेरे कंटेंट के रिलेट करता है या नहीं करता। अगर जवाब यस में आता है तो उस टैग को डाल दो, अगर जवाब नो में आता है तो भाई उस टैग को छेड़ो ही मत, और ज्यादा टैग आप यूज ही मत करो यार। बहुत से ऐसे होते हैं जो 10-20 टैग लगा दिए उसमें। अब माना कि अनलिमिटेड है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम अनलिमिटेड ही करोगे भाई, कोई चीज ऐसी भी है जो उसको लिमिटेड रखो। जरूरी नहीं कि आप अगर 10 टैग की जगह है आपके पास खाली डिस्क्रिप्शन में, तो 10 टैग उसमें डाल दो, ऐसा मत करो। दो एक आठ टैग्स में भी इंसान अच्छे खासे वायरल होते हैं। अगर आप देखते होंगे वीडियो शेयर चैट पर या फिर फोटो शेयर चैट पर, तो आपने ये भी देखा होगा कि एक ही टैग में वो बंदा पोस्ट कर रहा है, लाखों व्यूज उसके आते हैं, अच्छे खासे कमेंट्स उसमें आ जाते हैं, लाखों उसमें लाइक्स आ जाते हैं, तो आप लोग ऑलमोस्ट देखते होंगे। तो शेयर चैट पर भाई इसी तरह से काम करना है। शेयर चैट को आप धीरे या फिर कोई ऐसा मत समझो, बहुत अच्छे पेमेंट यहाँ से कमा रहे हैं लोग, बड़ा अच्छा ही रिस्पॉन्स यहाँ से आ रहा है शेयर चैट पर से। ऐसे ही आप लोग मेहनत करो, और भाई आप जो कमेंट करते हो, मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ भाई, और सब कमेंट को लाइक कर देता हूँ मैं। कमेंट लाइक करने के बाद ज़्यादा ऐसा होता है, मैं उसको उस पर रिस्पॉन्स करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। कोई कमेंट ऐसा होता है जिसका रिप्लाई मैं ना करता हूँ, तो भाई एक बात समझ लिया करो, मैं उस टॉपिक पर वीडियोज बना चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, शेयर चैट पर आप लोग सब जानते ही हो कि मैं वीडियोज बनाता हूँ, और मेरे से अच्छी या फिर मेरे से ज़्यादा कोई नहीं बनाता, अच्छी लोग हैं छोड़ो, ज़्यादा कोई नहीं बनाता। तो भाई यहाँ शेयर चैट पे सबके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, जिस पर रिप्लाई करता हूँ वो मेरे लिए नया कमेंट होता है, लेकिन जिस पर मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, आप समझ लिया करो भाई, मैं इस टॉपिक पर वीडियोज़ बना चुका हूँ,
तो उस टॉपिक पर आपने कमेंट करने से अच्छा है मेरी चैनल में जाओ, वीडियोस में जाओ, और वीडियोस में जाने के बाद आप उस कंटेंट को देखो जो आप पूछने वाले हो। मैं हर एक टॉपिक पर वीडियोस बना चुका हूँ शेयर चैट के। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई हो, टैग से रिलेटेड। दोस्तों समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आखिरी बार जाते जाते बोल रहा हूँ क्योंकि भूल गए हो गया, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाय।